50715 सेल्स का 7440 7960 सेल्स का 7440 7960 और सेल्स रिटर्न 13225 बराबर चेक कर लो एंट्रीज चेक कर लो एंड 13 सम है सॉल्यूशन 13 सम तो अभी उसमें से कर ले फिगर से सम कर ले ठीक है 13 सम मिला सबको सॉल्यूशन हेलो तीजे दिन तीन दिन है चलो 13 सम क्या करना है देखो लेजर में फोर अकाउंट्स वी हैव टू ड्रॉ ओनली फोर सब्सिडरी से अगर लेजर बनाने को बोला तो चार ही बनाना है कौन से चार अकाउंट बनाने हैं तो एक ही साइड पे कर लेना वन फोर्थ लेके फोर अकाउंट परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट इज इट क्लियर परचेज परचेज रिटर्न सेल्स एंड सेल्स रिटर्न चार लेजर बनाने लेजर का फॉर्मेट याद है कि भूल गए एक मिड पार्टीशन लेना देन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट हाँ इन द बुक्स ऑफ नहीं इसमें कंटिन्यू कर रहे तो जरूरत नहीं है दूसरा पेज पे लिख रहे हो तो बनाओ बनाओ जिसने साइड नहीं छोड़ा है ना बराबर सम नंबर देके कौन सा सम था ये 13 सम का लेजर इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम है परचेज अकाउंट डेट पर्टिकुलर एक ही पेज पे चार वन फोर्थ वन छोटा सा लेजर है बहुत सिंपल डेट पर्टिकुलर्स जेएफ क्रेडिट एंड डेबिट ड्रॉप द फोर लेजर परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट परचेज रिटर्न एंड सेल्स ऑल ऑफ द अदर सम राइट कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू सब्सिडी का सम सब कर लेना सब सब कितना है पूरा शीट हो गया लेजर का खाली पार्ट वॉज डिफरेंट फाइनल एग्जाम में रहेगा कि नहीं नहीं लेजर पार्ट अभी नहीं है तो बाद में भी तो हम लोग को है इसके लिए फाइनल एग्जाम में एकदम लास्ट वाले एग्जाम में देखी पाइथर जर्नल और सबसिडरी सेमेस्टर वाले में तो सब रहेगा जर्नल लेजर बुक सब्सिडरी और जर्नल चालू भी नहीं किया तो अभी कब करेंगे और एग्जाम कब होगा जर्नल चालू नहीं किया तो क्या चालू कुछ नहीं पोर्शन करके खत्म कर दिया हाँ जर्नल चालू ही किया हम लोग ने कैश बुक करवा दिया सिर्फ वो पोर्शन चैप्टर से करवाया कुछ नहीं करा हाँ तो फिर सेमेस्टर सोमैया भी लगा बोलने की सब्सिडी ठीक है वो भी होएगा नवंबर डिपेंड्स ऑन एग्जाम लेट है ना तो दे माइट इंक्लूड सब्सिडरी अदरवाइज जर्नल एंड लेजर दिसंबर होना ही नहीं चाहिए अदरवाइज जर्नल एंड लेजर खत्म होना चाहिए सुमैया मोस्टली विल हैव जर्नल एंड लेजर सर एग्जाम फ्रॉम 23rd नवंबर
हमारा किसने बोला टाइम टेबल भेज दो ना टाइम टेबल तेरे को किसने बोला जाता है सर पर उधर से बोलते हैं फिर पोस्टपोन ही होता है टाइम अरे ग्रुप पे लाइक पूछा किसी ने तो लाइक उसने राजू नाम है एक्चुअल नाम राजू राजू नाम का मतलब पता नहीं चलो सम नंबर 13 का ले जाओ फोर अकाउंट्स परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न यूजुअली हाउ यू पोस्ट इन दीज अकाउंट्स सी द एंट्री सपोज परचेज टू कैश बोर्ड पे देखो परचेज टू कैश 5000 हाउ डू यू पोस्ट इट परचेज में टू कैश कैश में 5000 चेक इन द प्रॉब्लम डू यू हैव एनी कैश परचेज नो कैश परचेज है क्या नोट में लिखा है और सब्सिडी में कैसा कैश परचेज आएगा ओके सब्सिडी में रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज जेपी में मिला परचेज टू कैश 7 को भी और 16 को भी है कैश परचेज 26 को भी है वो कैश सेल है भाई परचेज एक ही है 7th को ही है कैश परचेज ऑफ गुड्स मिला तो यही करो फोकस तो परचेज टू कैश हाउ डू यू पोस्ट इट परचेज में टू कैश और कैश में बाय परचेज डेट इज 7 तो 7 4 10 टू कैश परचेज में टू कैश अकाउंट कितना था 8000 और कैश में बाय परचेज कैश अकाउंट वी आर नॉट मेकिंग इधर एक एक अकाउंट खत्म करना डेट वाइज मत जाना सब्सिडरी से करना है ना तो एक एक अकाउंट लो खत्म करो आगे बढ़ो तो परचेज अकाउंट में टू कैश अकाउंट वे रोट दैट वॉज 8000 ओके स्टोरी ओवर फाइन और कोई है कैश परचेज पूरे प्रॉब्लम में चेक करो एसेट नहीं गुड्स ये गुड्स का परचेज अकाउंट तो उसका कुछ परचेजेस है खत्म अभी क्रेडिट परचेज सब्सिडरी में देखो क्रेडिट परचेज तीन चार नाम लिखे होंगे तुमने तीन नाम लिखा क्या क्या लिखा महेश महेश देन के एन ब्रदर्स एंड के एन सन्स बराबर एक्चुअली तीनों की एंट्री क्या है परचेज टू महेश परचेज टू के एन सन्स परचेज टू के ब्रदर्स बराबर है तो अगर सिंगल जर्नल से वी वुड हैव पोस्टेड देन वी वुड हैव रिटर्न योर टू महेश टू के ब्रदर्स है ना परचेज टू महेश तो परचेज में टू महेश महेश में बाय परचेज परचेज में टू के ब्रदर्स में बाय परचेज परचेज में टू के एन सन्स में बाय परचेज यस दैट इज व्हाट यू डू नॉर्मली व्हेन सिंगल जर्नल से यू पोस्ट बट व्हेन यू पोस्ट फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स तो घड़ी घड़ी वापस नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम हमने ऑलरेडी बुक्स में लिखा हुआ है परचेज बुक में नाम लिखा हुआ है राइट तो क्या करने का वो टोटल है ना परचेज बुक का व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज बुक 75602 वो सीधा टोटल ही लिख देने का यहाँ पे और क्या लिखने का टू सन्ड्रीज As per purchase book, two sundries as per purchase book. Sundries मतलब general, general जितने creditor थे सबके नाम मैंने साथ में लिख दिया तो directly लिख देने का total. So this you do when you transfer the entry from subsidiary. Single journal से कर रहे हो तो individual नाम ही आएगा but subsidiary से कर रहे हो समझा क्यों डेट कौन सा आएगा लास्ट डेट ऑफ द मंथ क्योंकि लास्ट डेट को ही टोटल मिलता है तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ इज 30th अप्रैल 2010 इट वापस नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बुक्स में नाम लिखा हुआ है तो डबल एग्जाम पट्टी जस्ट राइट द टोटल क्या लिखने का टू सन्ड्रीज SUNDRIES टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक अकाउंट अकाउंट कुछ नहीं सिर्फ टोटल उठा के लिख दे रहे दैट्स इट तो सबका पोस्टिंग हो गया 79602 था ना 75600 ओके तो इसमें तीनों नाम आ गए टू महेश टू के ब्रदर्स टू के सन अगर मुझे जानना है इंडिविजुअल नाम आई विल ओपन द परचेज बुक एंड सी इज इट क्लियर लेजर में सीधा टोटल ही लिख दो खत्म
तो लेजर ये कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में क्या पोस्ट कर सकते हो? तीन चीजें पोस्ट कर सकते हो। एक हो सकता है टू कैश या टू बैंक, एक हो सकता है टू पार्टी, एक हो सकता है टू डिस्काउंट। डू यू हैव एनी सीडी इन द सम? तो अगर परचेज टू कैश है या परचेज टू डिस्काउंट है उसको डेट वाइज कर, उसमें टोटल मत लिखा। परचेज टू कैश मैंने लिखा ना इंडिविजुअली डेट वाइज, परचेज टू डिस्काउंट भी होता सपोज, तो वो भी इंडिविजुअली कर। सिर्फ अलग क्या हो रहा है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज के लिए वापस पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट टेक द टोटल एंड राइट इट टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, खत्म। सबके नाम का टोटल साथ में एंट्रीज पोस्ट हो गया, वापस करने की जरूरत नहीं। कट इट, परचेज अकाउंट ओवर, गेट द बैलेंस। दिस इज द बैलेंस, बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 30th April 2010, दिस इज 83600, टू बैलेंस बी ऑन 1/5/10। तो खाली एक ही पार्ट अलग हो रहा है कि व्हेन यू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट डोंट राइट इंडिविजुअल नेम्स अगेन इन योर अकाउंट। इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम सब्सिडियरी जस्ट राइट द टोटल स्टोरी ओवर, डोंट राइट अकाउंट और एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट सन्ड्रीज एज पर परचेज। ओके, नाउ टेल मी सेल्स, आर देयर एनी कैश सेल्स? Yes. Two cash sales. One. 16 को लिख रहा है एंट्री कैश सेल्स का, कितना है कैश सेल्स? 10,000। और 26 को क्या कैश? 26 को फर्नीचर बेच रहे हम लोग, तो गुड्स का सेल्स देख रहे। सेकंड हम लोग तो गुड्स का सेल देख रहे हैं ना, हम लोग है मेरा इसके पास नहीं था मैत्री राजेश। चलो सेल्स में देखो अभी, कैश सेल्स, व्हाट डू यू हैव इन कैश सेल्स? हाउ मच यू हैव सोल्ड फॉर? 10,000। व्हाट इज द डेट? 16। उसका अलग अलग पोस्टिंग करो नॉर्मली जैसे करो। व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश सेल्स? कैश टू सेल्स। सो हाउ यू पोस्ट कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाय, इधर बाय कैश अकाउंट हाउ मच? 10,000, डेट इज 16/4/10, सेम डेट जो है सेम अमाउंट वैसा है, पैसे का वैसा नॉर्मल पोस्ट। और कोई कैश सेल हो रहा है? कैश सेल मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर वगैरह नहीं। वो तो देखो फर्नीचर बेचा तो क्या एंट्री किया तुम? फर्नीचर कैश, तो वो तो कैश और फर्नीचर में जाएगा। यहाँ पे हम लोग खाली सेल्स अकाउंट देख रहे हैं गुड्स का, बाय कैश वैसे का वैसा दिया। अच्छा बाय डिस्काउंट कुछ है सीडी वगैरह? अभी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? पार्टी टू सेल्स। सेल्स बुक में जाओ, तुमने तीन चार नाम लिखे हुए, क्या क्या लिखे हैं? गनी एंड ब्रदर, गनी एंड कंपनी, बराबर है? गनी बिपिन लाल एंड तुम्हारा बिपिन जीपी, गनी जीपी एंड के, बराबर है? तीनों का एंट्रीज क्या है? गनी जीपी एंड के ब्रदर्स। जर्नल एंट्री फॉर इच ऑफ देम, पार्टी टू सेल्स, पार्टी टू सेल्स, पार्टी टू सेल्स। अगर सिंगल जर्नल से करते तो पार्टी में टू सेल्स और सेल्स में बाय पार्टी आता, बाय पार्टी, बाय पार्टी, बाय पार्टी तीन बार करते। लेकिन अभी हम लोग कहां से पोस्ट कर रहे हैं? सब्सिडियरी से कर रहे हैं, ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं, तो वापस घड़ी घड़ी नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा टोटल उठाओ सेल्स बुक का, बढ़े टोटल 59,280। एंट्री क्या रहेगा सीधा? टोटल, तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, वापस नाम लिखने की जरूरत नहीं। 59,280, डेट कौन सा होगा? लास्ट, बस खत्म, सेल्स अकाउंट खत्म। क्या कर रहा हूं मैं समझ रहा है? खाली क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के लिए जस्ट राइट द टोटल। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टोटल्स ऑफ सन्ड्री, सॉरी टोटल्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर टोटल्स ऑफ सब्सिडियरी बुक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू पोस्ट इट इन द लेजर यू जस्ट टेक द टोटल्स डायरेक्टली, यू टेक द टोटल्स एंड पोस्ट। कैश सेल कैश परचेज का टोटल मत कर देना, सुना? कैश सेल कैश परचेज इंडिविजुअली जैसे पोस्ट करते हैं ना, परचेज में टू कैश, कैश में बाय, सेल्स में बाय कैश, अलग अलग।
खाली टोटल क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स के, फिर बैलेंस करना है तो ये कितना हो गया 69,280 हो गया, 69,280 हो गया, इधर आएगा टू बैलेंस सी 69,280 और 15 को बाय बैलेंस बी 69,280। अच्छा ये तो हमने परचेज और सेल्स अकाउंट बनाया, व्हाट अबाउट पार्टीज, जो पार्टी है के ब्रदर्स है या जो बिपिन है जीपी है या गनी है, जो पार्टी है बिपिन नहीं गनी है जीपी है, तो समझो गनी है, गनी का अमाउंट कितना 25,080। सो गनी टू गनी टू सेल्स इज द एंट्री 25,080 बराबर है, तो गनी अकाउंट में क्या लिखोगे, इफ यू मेक गनीज अकाउंट, गनी में इट विल बी टू सेल्स 25,080। सेल्स में बाय गनी नहीं लिखा मैंने, सेल्स में क्या लिखा है बाय सेल्स, सबका नाम साथ, लेकिन इंडिविजुअल जो लेजर अकाउंट है पार्टी का उसमें तो अलग अलग पोस्टिंग ही होगा, गनी में टू सेल्स, के एन ब्रदर्स में टू सेल्स, और कौन है वो तीसरा जीपी में टू सेल्स, वो सब में टू सेल्स नॉर्मल पोस्टिंग, ऑल पोस्टिंग्स आर नॉर्मल ओनली एक्सेप्ट फॉर वन चेंज इन दीज फोर अकाउंट्स। व्हाट इज दैट वन चेंज, जो क्रेडिट परचेज है और जो क्रेडिट सेल्स है उनका इंडिविजुअली पोस्टिंग करने का, उनका क्या करने का सीधा टोटल, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। नाउ लेट अस कम टू परचेज रिटर्न्स, टेल मी परचेज रिटर्न में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है, कुछ भी कैश में हो रहा है, पूरा क्रेडिट ही रह जा, नाम लिखा हुआ है तुमने परचेज रिटर्न बुक में, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज रिटर्न, पार्टी टू परचेज रिटर्न, तो पार्टीज में टू परचेज रिटर्न इंडिविजुअली करना है, परचेज रिटर्न में बाय पार्टी आता है, तो बाय पार्टी घड़ी घड़ी लिखने का क्या लिखोगे, बाय एज पर परचेज रिटर्न्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, व्हाट इज द टोटल 7,400, दैट्स इट स्टोरी ओवर, टोटल बैलेंस सिंपल, समझा कि नहीं, ये कब करना है, जब सब्सिडरी से पोस्ट कर रहे हो तभी, सब्सिडरी नहीं है सिंगल जर्नल है, हमने पहले किया हुआ है लेजर के ऊपर, हर एक एंट्री इंडिविजुअली है, बाय बैलेंस इज दैट क्लियर, ऑन द सेम लाइंस कैन यू टेल मी अबाउट सेल्स रिटर्न्स, टू पार्टी घड़ी घड़ी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न्स बुक, समझा कि नहीं, व्हाट इज द टोटल 21,000, बस बाय बैलेंस सी डी एंड टू बैलेंस डी, लास्ट डेट पे हो भाई, दैट्स इट, दीज आर द फोर अकाउंट्स। कैसे करना है बैठ रहा है दिमाग में, क्या करना है बहुत इजी है, बाकी सब पोस्टिंग नॉर्मली करो, कैश वाला नॉर्मल करो, डिस्काउंट वाला नॉर्मल करो, खाली जो क्रेडिट वाले पे आते हो तो क्रेडिट वाला घड़ी घड़ी नाम लिखने की जरूरत नहीं, सीधा टोटल से चारों के अच्छा कौन से साइड पे टोटल लिखना है वो क्लियर, गड़बड़ उसमें भी कर देते हैं कभी, परचेज का क्रेडिट कर देते हैं, सेल्स का डेबिट कर देते हैं, परचेज में कौन से साइड पे आएगा टोटल, एंट्री कर रहे हैं बॉस, परचेज टू पार्टी का एंट्री है ना, वही कर रहे हैं हम लोग, खाली टू पार्टी की जगह एक साथ लिख दिया टू संडे, इज दिस क्लियर, इधर भी बाय पार्टी है, बाय पार्टी की जगह आई रोड बाय संडे, टू पार्टी की जगह टू संडे, बाय पार्टी की जगह बाय संडे, सिंपल,
अकाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सीधा टोटल बुक 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 सॉर्टेड क्लियर। और एक सम बोलो मेरे को कौन सा साइड चाहिए। 15 15 में छोड़ा है साइड। 15 सम देखो, 15 सम है, 15 सम है क्या तुम्हारे पास, चेक करो वेदर यू हैव 15 सम है सोल्यूशन। अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, 15 नहीं है, 15 है, बाकी लोग देख लो सॉल्व कर लेना। 15 सब सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन सामने रखो। ड्रॉ द 4 अकाउंट्स 15 सब। और अकाउंट वन साइड, इसीलिए इसमें साइज साइड भी बड़ा ज्यादा जाता नहीं है, जगह ज्यादा नहीं लेता है, टोटल एक लाइन में लिखने का। किसी किसी सम में तो कैश परचेज कैश सेल होगा भी नहीं, सपोज कैश परचेज नहीं है कैश सेल नहीं है तो इग्नोर कर देने का सीधा टोटल। 2 sundries by sundries 2 sundries by sundries एक लाइन में खत्म हो गया। इजी ये 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है सबसे, 2 मार्क का ले जाओ, 8 मार्क का। ये 2 मार्क का है भाई, इसमें क्या मार्क है, आधे आधे मार्क का। इतना बनाने का है काम, इतना हेड्स लिखने का, 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 सब नंबर 15 बोला ना, 15 सम, ओके 15 सम। नाउ डिओड्रेंट है डाल दो 15 देखो बस अभी लुक एट द बोर्ड। 15th में कैश परचेज सबसे पहला, सर्च फॉर कैश परचेज, डू यू हैव एनी कैश परचेज है नहीं है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में कैश परचेज मिला, सो परचेज टू कैश राइट, सो परचेज में व्हाट इज राइट, टू कैश अकाउंट, ओके परचेज में टू कैश अकाउंट 7000। कैश वाला नॉर्मली जैसे करते वैसे करते,
डेट इज 5/5/10 कैश परचेज का डेट सेम फॉर इट सेम डेट परचेज में टू कैश चल जाओ नाउ और कोई कैश परचेज इन द सन चेक है कभी था 17 सोल्ड कैश टू सेल्स कैश परचेज एक ही था बराबर दो तीन होगा तो दो तीन डेट के हिसाब से करते जाते डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का भी परचेज टू डिस्काउंट परचेज टू डेट वाइज परचेज टू कैश परचेज टू बैंक परचेज टू डिस्काउंट नॉर्मली जैसे नाम कौन सा क्रेडिट परचेज विल यू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज सेपरेटली हर एक नाम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं टोटल लिख रहा है सीधा परचेज बुक का टोटल टोटल 67200 तो व्हाट एंट्री यू पास सीधा टू सनरीज एज पर परचेज बुक टू सनरीज एज पर परचेज बुक 67200 डेट क्या होगा इसका 31st में लास्ट डेट दैट्स इट टोटल एंड बैलेंस स्टोरी ओवर 67 plus 7 is 74200 by balance CD 31st May 10 and either 1610 ko ho jayega 2 balance BD sorted okay ek ek account lo khatam cash wala hai to individually nahi hai to seedha total sundry sundry सेल्स अकाउंट टेल मी 17 को है कैश सेल अकाउंट तो कैश में टू सेल सेल्स में बाय कैश कितना 6000 है बाय कैश 6000 गॉट इट ऑन 17 75 10 अच्छा और कोई है कैश सेल नो सीधा क्रेडिट सेल का कैसे करना है बाय पार्टी नहीं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक ये सन्ड्रीज सन्ड्रीज कब लिखना है जब सब्सिडरी से कर रहे हो तभी हाँ इंडिविजुअल जर्नल सिंगल जर्नल कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में सिंगल जर्नल से करते तो सन्ड्रीज सन्ड्रीज नहीं लिखने का बाय पार्टी टू पार्टी बाय अजय बाय विजय टू संजय सब अलग 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 अमाउंट क्या टोटल सेल्स बुक का 44425 सेल्स बुक का टोटल इज 44425 बराबर टोटल करो 44 plus 6 54 25 That's your total, that itself is your balance. To balance sheet. This is on 31/5. 1/6 will become by balance B. 50425. Now, think and tell me, how will be the returns done? Returns, can they be on cash? तो सवाल ही नहीं है कुछ कैश का पोस्टिंग होना है यहाँ सीधा टोटल लिखना है ऐसा नो तो बाय इधर परचेज रिटर्न में कौन से साइड लिखना है क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट सिंपल एंट्री फ्रेम करना है तुमको व्हाट इज एंट्री पार्टी टू परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न में बाय पार्टी तो बाय पार्टी ही लिख रहे हैं लेकिन उसका टोटल लिख तो बाय पार्टी के जगह बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक ऑन विच डेट लास्ट डेट व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न 1450 स्टोरी ओवर टोटल करो बैलेंस करो 1450 सेम थिंग फॉर सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न में कौन से पार्टी डेबिट सेल्स रिटर्न टू पार्टी तो सेल्स रिटर्न में टू पार्टी के जगह टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बस कौन से डेट पे होगा तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ एंड स्टोरी ओवर बाय बैलेंस सी 900 समझा कि नहीं
इजी। और कौन सा जोड़ा है? टेन हो गया। नहीं नहीं लेजर के टेन छोड़ा है ना, टेन है ना। हेलो टेन क्या है सर? इसी चैप्टर 14 था, 14 था ना, नहीं गया तो कुछ चाहिए। हाँ हमने हम लोग को होमवर्क दिया था, नहीं किया था। टेन था, टेन सबके पास। हाँ प्लीज चेक टेन। उसका भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, छोड़ा छोड़ नहीं बोला सर, आपने नहीं बोला सर। 19 तक का छोड़ना ही है, अगर उनको नहीं ना हो तो नहीं बोला। नहीं नहीं छोड़ा सर, 10 के लिए नहीं छोड़ा है। और किसके लिए छोड़ा है? 10 के लिए छोड़ा था, छोड़ा था, 10 के लिए छोड़ा था, 10 के लिए छोड़ा था। ओके टेंथ वाले शब्द का पीछे बनाओ, खुद से बनाओ सब्सिडियरी। सीधा टोटल्स मेक द सब्सिडियरी सॉल्यूशन है ना टेंथ का। इसको कहाँ गया? ऐसा नहीं है। अरे वो आपने वो लेक्चर में सिखाया था, जो लेक्चर में मैं एब्सेंट थी। तो कंप्लीट कर लेगा ना यू ऑल्सो, अदर बुक ने किया ही नहीं है। अरे नहीं वो पुरानी बुक में था, मैंने बोला ना उसके अंदर भूखी हो गई, घूम गया। क्या क्या दो सब्सिडियरी? फोर्टलेजर इंटरनल जेरोक्स ले लो आज का, आज सबसे इसका नोट कंप्लीट रहेगा। घूम जाओ अभी नहीं पड़ेगा, चलो अभी बुक में से देख के करो किसी का। पीछे देखो उधर टोटल लिखना है खाली, और कैश परचेस कैश मेक द फोर अकाउंट्स। बुक घूम गया, शीट घूम गया, व्हाट यू डू घर पे आ गए तो बैग से पूरा सब फिर लिख दूंगा। आपको कैसे पता? शीट घूम गया, बुक घूम गया, मतलब यही हुआ। अभी बुक भी डबल है। आपके पास वो मंगाया था ना, अभी डबल बुक रखने का, दो में लिखने का। ये घूम गया तो दूसरा बुक अभी टेंथ